कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं और लता मंगेशकर स्वर कोकिला गायकी में उनका एक विशेष योगदान और ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में क्या था, कैसा प्रभाव था, उनकी गाने की शैली कैसी थी, इस बारे में कुमार गंधर्व ने अपने लेख में अपने विचारों में ये व्यक्त किया है। ये मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुणा रस विशेष प्रभावशाली रीति से उन्होंने अपने गाने को व्यक्त किया है। पर कुमार गंधर्व ये कहते हैं कि मुझे खुद पर बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मद या दूतलय के गाने लता ने बहुत अच्छे से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है। यहाँ कुमार गंधर्व लता मंगेशकर के बारे में कहते हैं कि लता मंगेशकर ने जो गाने गाए हैं, जो उनका स्वर था, उस बारे में उन्होंने यह कहा है। यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत निर्देशकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत निर्देशक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे आकर्षण ही चिल्लवाते हैं कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मन से ये प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना में हो ही नहीं सकता। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्रथम अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को आगे के स्थान दिया जाता है। यद्यपि चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के लिए निसहाय 3.5 मिनट गाए हुए हैं। चित्रपट के किसी गाने का एक और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक ही 3.5 घंटे की महफिल इन दोनों का कलात्मक अंदात्मक मूल एक ही है। ऐसा मैं मानता हूँ किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशाल रूप में वर्णन करता हो, वहीं छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता परिपूर्ण से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में अवस्थित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर लय शब्दार्थ का वही त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत
क्या और चित्रपट संगीत क्या। अंत में रसिक को आनंद की सामर्थ किस्म गाने में कितना इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत की रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनावश्यक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे साधुवाद साधा जाए उसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में से जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान, उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगता अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोक्ता से गा सकेगा? नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैये का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, चित्रपट संगीत ने लोगों में कान बिगाड़ दिए हैं। ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुचित नहीं करूँगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी ही आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। साथ शुद्धता कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों को अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल साथ शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। ऐसा मुझे लगता है कि इस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसे शास्त्रीय रागदारी आदि का चित्रपट संगीत निर्देशकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कुतूहल करने वाले पंजाबी लोकगीत रुच और निर्जल राजस्थान में पंजय की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की झाड़ियों खोरों में ध्वनि प्रतिध्वनि होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समावेश सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसा अनुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत निर्देशकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित, अति दृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। यद्यपि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग
चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। कुमार गंधर्व कहते हैं कि ऐसा कलाकार, उनके जो विचार हैं, ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। आपको सहायक वाचन वेतान के बारे में, उसका लता मंगेशकर के बारे में आपको बताया है, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। लता मंगेशकर अपने हिंदुस्तान की, भारत की सुर कोकिला के नाम से विख्यात है। उन्होंने 40 से 45 हजार गाने गाए हैं। चित्रपट में उनका विशेष योगदान है। भारतीय गायकी में उनका जो अमूल्य योगदान है उसको अपन नकारा नहीं सकते हैं। और उन्होंने जो योगदान दिया है गायकी में वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान और भारतीय सरकार ने उनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ा भारत रत्न के से उनको नवाजा गया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। लता के बारे में आप लोग और ध्यान से देखिए और इसके क्वेश्चन आंसर करिए। और आगे कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क करिए।